नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। बोल मंत्री बोल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनुसूचित जनजाति और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन जी हैं मौजूद। बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा हुए हैं और बाकी के बचे जो कार्यकाल बचे हुए हैं 3 साल का, उन सभी में क्या कुछ कार्य आगे बाकी है जो करना है, सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, उन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव लगातार। अच्छा, आपने क्या क्या बोला, हम तो नहीं सुना। हाँ जी, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है अनुसूचित जाति के लिए, परिवहन मंत्रालय आपके पास है, वैसे में सरकार की आगे की जो कार्यकाल जो बची हुई, वैसे में तो कोरोना बार बार सरकार को काम में बाधित कर रही है, आगे के बचे जो समय है उसमें किस तरीके से सरकार काम करेगी? देखिए, बड़ा काम करने का तौर तरीका जी, इस हेमंत सोरेन सरकार में जी बड़ा खुल के सामने में रखा जा रहा है, पारदर्शिता के रूप में। जैसे कि एक उदाहरण है, आपका अधिकार, आपका सरकार, आपका द्वार, जैसे हम सरायकेला जिला के अंदर में जो हर पंचायत में उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आवेदन 1,14,000 आवेदन प्राप्त हुआ जी। और उसमें निष्पादन हुआ 1,00,000 जी। माने इतना सुंदर, वो जो डायरेक्ट जो हम लोग नहीं कहते अंतिम व्यक्ति तक हम लोग योजना को पहुंचाएंगे जी। और वो आपका अधिकार, आपका सरकार, आपका द्वार का माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचा, तुरंत आवेदन दिया और उसी दिन उसका निष्पादन भी हुआ। ये सरकार की सोच है। और उसी तरह का ये कल्याण विभाग का बहुत बड़ा दायित्व है। दायित्व क्या है कि वर्षों से एक अलग मंत्रालय है और उसमें वर्षों से आदिवासी उत्थान की बात, इसलिए ये सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा सोच किया है कि उनका जो आस्था है, जहाँ से उनको गांव बस गया है, गांव जहाँ गांव बस गया, जैसे धर्म स्थान होता है सरना स्थल, गांव बस गया माने सरना स्थल कंपलसरी है जी। और हम लोग प्रतीक पर ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं जी। आज समय समय पर अलग अलग पूजा का हमारा अलग अलग, जैसे हर गली पूजा हो, हर जगह अलग अलग समय में अलग अलग का पूजा, अलग अलग का पूजा का उनका प्रार्थना का भी अलग अलग है जी। जैसे हम खेती के लिए यदि हम ये करता है तो खेती कैसे हो जी, उसके लिए उस समय हम लोग करेंगे। जब खेती हम लोग करेंगे तो उस समय तो बहुत जंगल झाड़ एकदम होता है, तो उस समय तो बहुत विषालु सांप भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, वो उससे भी बचने के लिए भी उस समय हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि उस समय तो खेत में जाना है, झाड़ी के बीच से जाना है, है ना। तरह तरह का अलग है, उसी को हम लोग, इसीलिए हम लोग सरना स्थल से ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सामाजिक व्यवस्था अलग है जी। हमारा सामाजिक व्यवस्था गांव है तो वहाँ एक मुंडा होता है जी, माझी होता है, पढ़ा राजा होता है, उस मानकी होता है, कुछ मुंडा के ऊपर में मानकी होता है, उसका कुछ ये माझी के ऊपर में परगाना होते हैं, एक अलग सिस्टम है ना। उस सिस्टम को हम लोग को ये भी डेवलप करना है, इसीलिए ये एक मुंडा हाउस हर गांव में हम लोग बनाएंगे। क्योंकि हमारा सामाजिक व्यवस्था क्या होता है ना, हम लोग एक डकुआ डाक देने के बाद आदमी लोग जमा होते हैं जी। और जमा होने के बाद पूछेगा कि आज का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है,
तो वहाँ मुंडा अस्तस्ता करने के बाद बोलेगा नहीं, हम लोग एक टू पूजा का दिन हम लोग को तय करना है, कब पूजा करना है, कैसे करना है। या किसी का शादी ब्याह का बात होगा, किसी का विवाद यदि है व्यक्तिगत, उसका उसका सुलझाना है, लेकिन मुंडा का अध्यक्षता में होगा। ये परंपरा है, हम डायरेक्ट शादी नहीं करा सकते हैं। हमारा जब तक वहाँ पर माझी या गांव का मुंडा जब तक इजाज़त नहीं देगा, हमारा पास दौलत है लेकिन हम उनका बिना इज्जत शादी नहीं करा सकते। उसका उपस्थिति और वो जो हमारा समाज का जो लेन देन होता है उन्हीं का वो लेन देन करेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये समाज व्यवस्था है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग इसीलिए हर गांव में अभी हम लोग मुंडा हाउस बनेगा, मानकी हाउस भी बनेगा, परगना हाउस बनेगा, माझी हाउस बनेगा, पड़ा राजा हाउस बनेगा। और समाज का जो हमारा जो अभिभावक गण है जी, और उसमें बैठ करके समाज का सारा चीज़ को चर्चा करेंगे। मंत्री जी, इसी से रिलेटेड हमारा सवाल रहेगा। पूर्व की सरकार में हिंद पीढ़ी में आदिवासी हॉस्टल बनाया गया था, लेकिन उस हॉस्टल का छत विक्षत कर दिया गया। हमने वहाँ की जायजा लिया था, हमने अपने चैनल के पर यह खबर भी दिखाई थी, शायद आपके संज्ञान में भी होगा। आदिवासी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए हॉस्टल का निर्माण वहाँ पर कराया गया, लेकिन सभी बस उसे सौंपना था, सब कुछ कंप्लीट है वहाँ का, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो है वहाँ के लोग, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ पे हॉस्टल का। हॉस्टल का विरोध कर रहा है जी, हिंदपीढ़ी में कह रहे हैं कि स्टेडियम बनाया जाए यहाँ पर हिंदपीढ़ी में, मुसलमान इलाकों में अनुसूचित जनजाति का हॉस्टल। जयपाल सिंह मुंडा की मैं बात कर रहा हूँ, जो फुटबॉल स्टेडियम देखना होगा वो क्या परिस्थिति में पिछले सरकार कर दिया था। बिना जानकारी के तो उसको कुछ कहना भी उचित नहीं समझते हैं हम। देखेंगे अगर ऐसा कोई बात है तो उसको देखेंगे, अगर ऐसे ज़रूरत होगा तो दूसरा जगह किया जाएगा। कि हम जिसका लिए कर रहे हैं उनका आशा होना चाहिए और उनका भी इच्छा पूर्ण होना चाहिए, है ना। हम उस जगह में नहीं बनाएंगे जहां पर हमारा कोई चाहता नहीं है, उन्हीं को हम देंगे जिनका इच्छा है, ये तो विचार है। मंत्री जी, चूँकि परिवहन विभाग भी आपके पास है, वैसे में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की एक बड़ी मांग है, ट्रांसपोर्टर को काफ़ी दिक्कतें नो एंट्री में सामना करना पड़ता है, वैसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ ख्याल रखा जाएगा। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट विभाग बहुत अच्छा विभाग है ना जी। कि यातायात का सुविधा जी, एक जगह से दूसरे जगह जाने का सुविधा, एक जगह से दूसरा जगह वस्तु को ले जाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है ना। जो आज कोरोना का समय भी, जो संपूर्ण लॉकडाउन के बीच में भी दवाई हो, राशन हो, पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा द्वारा भूमिका निभाया जी। जब संपूर्ण लॉकडाउन में, और उस समय चाहे वाहन का मालिक हो, चाहे चालक हो, चाहे सहायक चालक हो, उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक उसको अनाज को भी पहुँचाना है, ज़रूरतमंद चीज़ को भी पहुँचाना है जी। ये बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं, इसीलिए इसको और कुछ अच्छा करने के लिए हमारा विचार है, अभी चल रहा है विचार, कि हम यातायात का सुविधा ऐसा हम करेंगे ताकि झारखंड प्रदेश का यहाँ का भूगोलिक को देखते हुए उस तरह से रोड हमको बनाना है, ताकि जैसे सिमडेगा जी, कोलेबेरा, कोलेबेरा से आगे जो आपका मनोहर बोर्डर है ना, वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, लेकिन वहाँ भी बहुत भारी संख्या में गांव है जी। पहाड़ के नीचे, पहाड़ के बीच में जी। वहाँ का उस क्षेत्र का आने जाने के लिए सुविधा देना होगा, क्योंकि तभी जरूरत होता है। जैसा मेट्रिकुलेट किया है जी, कोलेबेरा गांव के उधर आपका मनोहर और कोलेबेरा बीच का रोड से उस गांव में, उसको तो शहर में कॉलेज रहता है लेकिन डेली तो पैसा दे के नहीं आ सकता है। इसीलिए यातायात का सरकार की ओर से, प्राय परिवहन विभाग की ओर से उसको एक यातायात का सरकारी वाहन हम लोग चालू करेंगे, ताकि उस स्टूडेंट को अपना समय में वहाँ से आ सके शहर और कॉलेज, और फिर समय में वापस जा सके, ऐसा विचार है। उसके लिए हम मंथन चल रहा है, बहुत जल्दी उसको
हम सीएम से बात करके इसको धरातल उतारने का काम करेंगे। ट्रांसपोर्टरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जैम की समस्या एक बड़ी लग जाती है। देखिए राजधानी होने के बाजार का आने के बाद राजधानी अब हो गया है ना, तो यहाँ झारखंड कोने से भी आदमी आने लग गया और यहाँ वहाँ रहने लग गया। गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत होती है, जैम लग गया। और प्लानिंग से शहर तो पहले हम लोग नहीं बनाया था, अब अचानक तो उसको इसीलिए इसमें कुछ ऐसा व्यवस्था करना होगा ताकि हाँ ट्रांसफर नगर भी बनाना होगा, किसी को माने आने जाने के लिए अलग रूट तय भी करना होगा, वन वे भी करना होगा कहीं, क्योंकि अभी तो उस तंग का यहाँ नहीं कर पाए हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ बहुत कुछ और काम करने का ज़रूरत है तभी ट्रैफिक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और हम लोग चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यवस्था करना होगा रास्ता आने जाने का, वन वे करने के बाद ही उसको आप सुधार सकते हैं, इसीलिए प्रयास है उस विचार पर। तो ये थे हमारे साथ परिवहन और अनुसूचित जनजाति के मंत्री चंपई सोरेन, और इन्होंने साफ लफ्जे में कहा है कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्रों को आने में जाने में दिक्कत होती है उन सभी को ख्याल रखते हुए काम की जाएगी और ट्रांसपोर्ट नगर कैसे राजधानी रांची में बने इसका भी निर्माण कराया जाएगा। जहाँ तक कि आदिवासी हॉस्टल की बात कही है, वहाँ का देख रेख कर सरकार जल्द उसे अपने कब्जे में लेकर जो वहाँ की लोग मांग रहेगी उन्हीं को देखते हुए ख्याल रखते हुए कार्य सही दिशा में करेगी। हालाँकि बाकी जो है आधे समय का वक्त का समय बचा हुआ है, देखने वाली बात कि इस सरकार हेमंत सरकार किस तरीके से आगे के बचे कार्य समय में क्या कैसे किस तरीके से कार्य करती है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।